यूएनएससी में भारत ने फिर से अपनी तटस्थता की नीति अपनाई है, यानी न्यूट्रल पोजीशन बरकरार रखा है इंडिया ने। रूस के प्रस्ताव से भी भारत ने दूरी बना ली है। सिर्फ चीन ने रूस के प्रस्ताव का समर्थन किया है। भारत समेत 13 ऐसे देश हैं जो कि रूसी प्रस्ताव पर गैर हाजिर रहे, एब्सेंट रहे। और आइए यूएन में रूस यूक्रेन पर भारत के रुख की पूरी डिटेल भी आपको देते हैं कि भारत का स्टैंड किस तरीके से रहा है। यूएनएससी में भारत फिर से तटस्थ रहा है, न्यूट्रल रहा है। भारत ने एक बार फिर रूस यूक्रेन तनाव पर अपनी तटस्थता को बरकरार रखा है। और यूएनएससी में भारत ने मानवीय संकट पर रूस के प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई है। भारत समेत 13 देशों ने रूस के प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, एब्सटेन किया। वोटिंग के बाद सदस्य देशों ने बयान भी जारी किया, लेकिन भारत ने कोई बयान नहीं दिया है। अभी इस पर ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। भारत दो बार सिक्योरिटी काउंसिल में भी रूस पर वोटिंग में हिस्सा लेने से मना कर चुका है। भारत ने रूस के खिलाफ जनरल असेंबली में आए प्रस्ताव पर भी वोटिंग नहीं की थी। तो अब तक भारत का यह स्टैंड रहा है, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रस्तावों पर। बिल्कुल, और भारत की ये जो नीति है, भारत की ये जो पॉलिसी है, इसकी तारीफ भी पूरी दुनिया में हो रही है, ये भी जान लीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि रूस के प्रस्ताव में था क्या और इस पर अमेरिका आखिर इतना आग बबूला हुआ क्यों। यूएनएससी में रूस का प्रस्ताव महिलाओं बच्चों समेत सभी नागरिकों को संरक्षित करने की बात कही गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच राजनीतिक वार्ता और मध्यस्थता पर रूस ने जोर दिया था। इस प्रपोजल में मसलों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने की अपील की गई थी। रूसी प्रस्ताव पर अमेरिका बिफरा। अमेरिका ने कहा रूस ने युद्ध छेड़ा, हमला किया और उसी ने यूक्रेन में घुसपैठ की, यानी जिम्मेदार ठहराया गया रशिया को। यूक्रेन में लोगों पर अत्याचार करने वाला रूस अब अपने प्रस्ताव पर मुहर चाहता है। रूस चाहता है कि हम उसकी क्रूरता को नजरअंदाज करके उसके प्रस्ताव को पास कर दें, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, अपनी तटस्थता बरकरार रखी। भारत के स्टैंड को सर किस तरह से आप देखते हैं, मैं बता दूं कि अमेरिका को भी काफी मिर्ची लग रही है भारत की इस तटस्थता को लेकर। ये भारत का जो स्टैंड है ये बहुत संतुलित और बैलेंस स्टैंड है। मेरे ख्याल से भारत ने अपनी डिप्लोमेसी बिल्कुल सही तरीके से करी है। जो भी दुनिया के देश हमारे ऊपर इस तरह का दबाव डाल रहे हैं कि आप इसमें एक साइड चूज करें जी, ये हमारी डिप्लोमेसी और हमारी राष्ट्रीय लीडरशिप पे इट्स अ क्रेडिबल, ये हमारी डिप्लोमेसी की जीत है आपके हिसाब से। लेकिन आपको नहीं लगता कि रूस और चाइना जैसे मुल्क जो हैं वो अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं बाकी दुनिया से? नहीं, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, एक राम प्रसाद बिस्मिल का एक छोटा सा मैं कोट करूंगा जी। ऐ शहीद मुल्क को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। इस समय इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की मजबूती, इंडिया की इकोनॉमिक एंड डिफेंस और ये सर इसको अगर मैं वन लाइन में सम अप करूं तो चाहे ये कितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हो, प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज हो, लेकिन भारत क्या सोचता है, भारत क्या करता है, उसको नजरअंदाज करने की स्थिति में कोई बड़े देश इस वक्त है नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।